नमस्कार दोस्तों, एजे ट्रेडर्स की स्टॉक एनालिसिस के और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन ग्रुप से बनाता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं ये आज आपके लिए वीडियो लाया हूं स्टॉक एनालिसिस का। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अब तक ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं कि मंडे से मैं थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूं, तो इसके हिसाब से आज मैं वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड्स। जो मैंने 5 स्टॉक निकाला है जिसका मैं आपको भी बता रहा हूं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये वन डे का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें मैंने पहला स्टॉक लिया है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के बारे में बोलूं तो अभी ये जो पैटर्न बना ये बुलिश पैटर्न माना जाता है फ्रेंड्स। और अगर सोमवार से लेके 3 दिन तक हमारा ये वैलिड रहेगा, जो मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ वो, अगर सोमवार को ये 1116 को ब्रेक करता है फ्रेंड्स इस हाई को, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 1130, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स, ये पहला टारगेट रहेगा हमारा फ्रेंड्स, और ये हमारा रहेगा दूसरा टारगेट 1145। ये हो गया फ्रेंड्स टेक महिंद्रा का। कोई दूसरा स्टॉक को देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स मैंने निकाला हुआ है ग्रासिम इंडस्ट्री। आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स तो वो लगातार, यहाँ से आप चेक करोगे तो लगातार वो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जोन पे वो आया हुआ है। काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे आके फिर से नीचे आ जाता है। और अगर फ्रेंड्स अब की बार ग्रासिम अगर फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे के हाई को ब्रेक करता है, यानी इसका हाई था 1825 को ब्रेक करता है और 5 मिनट सेक्शन हो जाता है इस हाई को, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 1836, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 1850 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स हमारा कौन सा ग्रासिम इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल लेता हूं फ्रेंड्स। अभी तीसरा स्टॉक आ सकता है फ्रेंड्स हमारा SRF लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे SRF लिमिटेड एक यहाँ पे एक दूजी टाइप का कैंडल बनाया हुआ है फ्रेंड्स अप टाइप ने, तो उसका रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही यहाँ पे फ्रेंड्स क्लोज किया है उसने, जो रजिस्ट्रेशन हमने उसने लिया है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और लास्ट फ्राइडे को ये वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी अगर फ्रेंड्स 2410 को निकालेगा फ्रेंड्स सोमवार को, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है ये जो जोन है 2430 के करीब जा सकता है। और अगर फ्रेंड्स उसको भी ब्रेक किया और अगर सस्टेन हो जाता है तो उसका टारगेट आ सकता है 2446 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स SRF लिमिटेड। और यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है फ्रेंड्स, जिसको भी आपको देखना है 1 टाइम 2 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम, तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद फिर से वो रिवर्स मार सकता है फ्रेंड्स, तो हमें इसके ऊपर भी हमें वॉच रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स SRF लिमिटेड। अभी चौथा स्टॉक मैंने निकाला है फ्रेंड्स बंधन बैंक। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले। जैसे कि आप देखोगे फ्रेंड्स अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी हाई पे हाई मार रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक क्या होगा इसके ऊपर हम डिपेंड रहेगा कि क्या हो सकता है हमारे स्टॉक में भी और निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन में भी। तो यहाँ पे हमें ने लगाया हुआ है बंधन बैंक का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप चेक करोगे उसका यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है फ्रेंड्स बंधन बैंक का ऊपर से नीचे ये वाला, तो ये ट्रेंड लाइन के पास आके क्लोज दिया है लास्ट फ्राइडे को। और यहाँ पे आप चेक करोगे ये एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया हुआ है कि यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। और अगर फ्रेंड्स हो सकता है कि सोमवार को ये बंधन बैंक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, और अगर वो 245 को निकालता है फ्रेंड्स बंधन बैंक, कौन सा लीवर रहेगा फ्रेंड्स ये वाला लीवर, सॉरी इस लीवर को निकालता है फ्रेंड्स 245 को, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 250 का, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 260 तक जाने की कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स बंधन बैंक वन डे के चार्ट में। और ये रहेगा वैलिड रहेगा हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में 2 से 3 दिन तक का ये लेवल वैलिड रहेगा फ्रेंड्स और स्टॉक का। ओके फ्रेंड्स, और आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये लास्ट स्टॉक मैंने निकाला हुआ है फ्रेंड्स बाटा इंडिया का, तो आप यहाँ पर चेक करोगे फ्रेंड्स तो बाटा ने पे एक यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स ये वन डे के चार्ट में अगर
1740 को निकलता है तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जिसका लेवल आ सकता है 1756 तक। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं नेक्स्ट वीक से मैं स्टॉक में 10,000 रुपया डाल के मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने अभी 2 से 3 महीने तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसलिए मेरा वीडियो फ्रेंड्स आ नहीं रहा था, लेकिन अब मैं इस महीने में मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, और अभी 10,000 डालूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एंड तक के क्या हुआ है फ्रेंड्स 10,000 का। उसमें अगर मुझे चांस मिलेगा बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में तो उसमें भी मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन अगर चांस मिलेगा तो ही कि मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा फ्रेंड्स स्टॉक में। ओके, अगर आप स्टॉक में मास्टरी बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन में भी आप वही काम कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।